सो ट्रैवल तो हम सब करते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है. मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है पराए देश में, आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आपका पासपोर्ट खो गया, आपका बैगेज खो जाता है, आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी, मान लीजिए आपसे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो. तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये ट्रैवल इंश्योरेंस डाइजेस्ट बना रही हूँ मैं, जहाँ पे हम बात करेंगे FAQs, ट्रैवल इंश्योरेंस के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या इंक्लूडेड होता है, क्या एक्सक्लूडेड होता है. सो ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, बट आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे उसके डॉक्यूमेंट को जरूर रेफर कर लीजिएगा कि उसमें क्या फीचर्स हैं. तो ये स्टैंडर्ड लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सारा एक्सप्लेन करूंगी. काफी यूजफुल वीडियो होगी बिकॉज ट्रैवल आप जानते ही हैं बढ़ता ही जा रहा है और ट्रैवल इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रैवल इटिनरी का. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी भी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस. वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट दी राइट इन्फॉर्मेशन एट दी राइट टाइम. अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि जब ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेने जा रहे हैं वहां पे भी आपको अपनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है. सो ट्रैवल इंश्योरेंस में क्लियरली एक लाइन लिखा होता है, एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वेदर डिस्क्लोज्ड और नॉट डिस्क्लोज्ड विल नॉट बी कवर्ड इन द पॉलिसी. मतलब पहले से अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है दूसरी कंट्री में, तो वो कवर नहीं होगी, चाहे आप वो ब्लड प्रेशर डायबिटीज डिस्क्लोज करें या ना करें. तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे पता लगा कि ये पहले की कंडीशन थी, उसकी वजह से एग्रेवेट हुआ और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो वो कवर नहीं किया जाएगा. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का क्लेम नहीं मिलता है ट्रैवल इंश्योरेंस में. अब हम बात करेंगे क्विकली कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ट्रैवल इंश्योरेंस में जो आप लोग पूछते हैं. पहला, जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं पॉलिसी में, मान लीजिए ट्रैवल डेट चेंज करनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भरी गई है, तो एंडोर्समेंट करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एंडोर्समेंट करा सकते हैं. आप इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट कीजिए, आप अपने ट्रैवल डेट्स जो रिवाइज हुई हैं अपनी रिवाइज टिकट लगाइए और अपना आप एंडोर्समेंट करा सकते हो. कोई बेसिक डिटेल्स मॉडिफाई करानी है जैसे कि नेम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, तो प्रूफ लगाइए और मॉडिफाई हो जाता है. मेल करनी है इंश्योरेंस कंपनी को और जल्दी से आपको मॉडिफाई करके दे देते हैं. दूसरा, आप ये लोग पूछते हैं कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले ली, मान लीजिए आपके ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो गए, तो क्या रिफंड मिलता है? बिल्कुल रिफंड मिलता है. आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप नहीं ट्रैवल कर रहे, आपकी जो कैंसिलेशन का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका ट्रैवल प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको रिफंड दिया जाता है. साथ में आपको पासपोर्ट के स्कैन पेजेस भी देने पड़ते हैं, जो भी आपकी कंप्लीट पासपोर्ट बुकलेट है कि एज अ प्रूफ कि आपने ट्रैवल नहीं किया है उन डेट्स में. तो और कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ और बाकी प्रीमियम आपको रिफंड हो जाता है. ट्रैवल इंश्योरेंस में एक बहुत कॉमन टर्म आप सुनेंगे, डिडक्टेबल. डिडक्टेबल या एक्सेस. डिडक्टेबल बेसिकली होता है कोई भी क्लेम पे करने से पहले आप अमाउंट पे करेंगे. मान लीजिए लिखा हुआ है $100 का डिडक्टेबल, इसका मतलब ये है कि $100 का इनिशियल अमाउंट कोई भी क्लेम आता है, लेट्स से आपका क्लेम आता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, $500 का क्लेम है, तो इनिशियल $100 आपको पे करना है और बाकी के $400 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अप टू सम इंश्योर्ड. इनिशियल कभी भी कोई भी क्लेम लेंगे डिडक्टेबल हर एक क्लेम में लिखा होगा, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी क्लेम. अगला आपका क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सटेंड कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, लेट्स से आपने ट्रैवल किया 30 डेज के लिए और आपका प्लान एक्सटेंड हो गया, तो वहां पे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस तो 30 डेज के बाद खत्म हो जाएगी. तो आपका ये सवाल आता है कि क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं. उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. पहला, आपकी अभी ड्यू डेट क्रॉस नहीं हुई, मतलब आपके 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले ही आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है कि मुझे मेरा स्टे बढ़ गया है और मुझे अपना ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सटेंड करना है. दूसरा, आपने कोई क्लेम नहीं लिया पॉलिसी में, इट इज सब्जेक्ट टू क्लेम्स ऑल्सो. तीसरा, जो आपका सम इंश्योर्ड है वो अनचेंज रहता है. मान लीजिए आपने $50,000 की पॉलिसी ली थी और वही आप एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है. अब अगर आप बोलें कि सम इंश्योर्ड एनहांस करना है, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी एक्सटेंड नहीं करेगी बिकॉज उनको डाउट हो जाएगा, शायद आप क्लेम लेना चाहते हैं. फोर्थ, आपसे डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ मांगा जाएगा कि आप गुड हेल्थ में हैं और बिल्कुल आपकी हेल्थ बढ़िया है, उसके बेसिस पे आपकी पॉलिसी एक्सटेंड की जाएगी. सो नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर क्लेम्स आते हैं तो मुझे क्या करना है. तो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन्ड होते हैं कि किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी,
इंटरनेशनल नंबर्स भी मेंशनड होते हैं और इंडियन नंबर्स भी मेंशनड होते हैं, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे जब भी आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है या आपको इस पॉलिसी से क्लेम लेना है। और अगर ऐसा कोई क्लेम है जैसे कि पर्सनल लाइबिलिटी का या लॉस ऑफ पासपोर्ट, लॉस ऑफ बैगेज, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल पर भी बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस से क्लेम कर रहे हैं तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बोर्डिंग पास हो गया, आपने अगर कोई मेडिकल बिल्स वहाँ पे अवेल करे हैं, आपकी कोई रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स हुई हैं, आपने मान लीजिए लॉस ऑफ बैगेज के केस में या लॉस ऑफ पासपोर्ट में जो अथॉरिटीज़ पे आपने रिसीट कटवाई है या उनको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये लॉस हो गया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉस, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की फाइल आपके मेंटेन होनी चाहिए। जब तक फाइनल क्लेम सेटल नहीं होता दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप इंडिया आने के बाद भी अपने पास रिटेन रखेंगे जब तक आपका फुल एंड फाइनल क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है। अब बात करेंगे पॉलिसी में एक्सक्लूडेड क्या है, क्योंकि ये जानना जरूरी है जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो सब कुछ तो इंक्लूडेड नहीं हो सकता, कुछ चीजें एक्सक्लूडेड होंगी। तो जनरल एक्सक्लूजन क्या होते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के, उसके बारे में बात करेंगे। पहला, कोई बॉडीली इंजरी या सिकनेस, मतलब कोई आपकी बॉडी को इंजरी या बीमारी होती है सिविल वॉर या फॉरेन वॉर से, तो कवर नहीं की जाएगी, कंपनी रिस्क कवर नहीं करेगी। दूसरा, अगर बॉडीली इंजरी या सिकनेस होती है बिकॉज ऑफ प्रोवोक्ड इंटेंशनल इंजरी, मतलब आपकी इंटेंशंस गलत थी उसकी वजह से आपको बीमारी हुई, या आपकी इंटेंशन सही नहीं थी उसकी वजह से आपको वो बॉडी पे इंजरी हुई, आप सेल्फ इन्फ्लिक्शन भी कह सकते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कोई एक्सेसिव स्मोकिंग करता है जिसकी वजह से लंग्स खराब हो गए, ठीक है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी बिकॉज इंटेंशन वॉज नॉट राइट। दूसरा एग्जाम्पल है कोई अल्कोहल अब्यूज करता है, मतलब एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से मान लीजिए वो ड्राइव कर रहे थे या उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी बॉडी को इंजरी हुई, तो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी बिकॉज ये क्लॉज है कि अगर आपकी इंटेंट इज नॉट राइट या आपकी इंटेंट को प्रोवोक कर रहे हो आप तो क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर सेल्फ इन्फ्लिक्शन है, मतलब मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको पता है आप डेंजर में आ सकते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी की जान बचाने जा रहे हैं वो अलग बात है, बट अदर देन दैट अगर वो बॉडीली इंजरी इस कारण की वजह से होती है, आपको पता है कि डेंजर है फिर भी आप कर रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, मतलब आप अगर एक्सेसिव अल्कोहल या ड्रग अब्यूज करते हैं तो भी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लेम नहीं देती। नेक्स्ट है कोई बॉडीली इंजरी होती है जहां पे आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कह सकते हैं, मोटर स्पोर्ट्स या एयर स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं जहां पे आपको पता है कि डेंजर है, वहां पे भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे आप बाइक राइड कर रहे हैं जो 150 सीसी से ऊपर है, वहां पे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट है कोई बॉडीली इंजरी या सिकनेस होती है जहां पे आप क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हैं तो भी आपकी इंटेंशन सही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। अगला है अगर आप कैरी कर रहे हैं, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं और विद इन 26 वीक्स आपको बॉडीली इंजरी या सिकनेस होता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट है कोई आपको बॉडीली इंजरी होती है जहां पे आप मिलिट्री फोर्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं, पुलिस फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे भी आप ये पुलिस पर्सनल और मिलिट्री फोर्सेज आ जाती हैं वहां पे क्लेम नहीं दिया जाता। मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए, बनने के लिए ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां पे कोई अगर नुकसान होता है तो कंपनी कवर नहीं करेगी बिकॉज वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। नेक्स्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एनी मेडिकल एक्सपेंसेस अराइजिंग बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से आपको कोई मेडिकल एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बेसिकली होता है फ्रैक्चर जो होता है जिससे कि मतलब बोन्स अगर आपकी वीक हो गई है बिकॉज ऑफ एनी कैंसर, बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर, आपकी बोन्स वीक हो गई है जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हुआ उस बीमारी की वजह से, तो भी क्लेम पे नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लिस्ट एक्सटेंसिव नहीं है और भी कंपनीज में ज्यादा एक्सक्लूजन हो सकती है, बट एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है जो जनरली पेबल नहीं होता। सो लास्ट में अगर टेररिज्म की वजह से कोई आपको बॉडीली इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है तो कवर्ड नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में। अब आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें कवर्ड नहीं है तो कवर्ड है क्या, तो अब इंक्लूजन्स की बात करते हैं कि कवर्ड है क्या। बहुत सारी चीज़ें कवर्ड भी हैं बट अंडरस्टैंड इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी डीप कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी, इसी के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एंड बिलीव मी इंक्लूजन्स की लिस्ट ज़्यादा है एक्सक्लूजन से, तो ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हैं रेस्ट अश्योर। सो फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और विद इन 12 मंथ्स डेथ होती है जिसका डायरेक्ट रीजन एक्सीडेंट था, मतलब एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कोई रेपरकशंस हुए, उसकी वजह से कुछ हुआ जो कि 12 महीने में डेथ होगी, तो आपको एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलेगा।
नेक्स्ट है परमानेंट डिसेबलमेंट, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हुई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने के 12 मंथ्स के अंडर अंडर डायरेक्टली एक्सीडेंट के रिलेशन है और उससे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी क्लेम पे होगा. उसका टेबल है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप ये टेबल रेफर कर सकते हैं. इस टेबल के हिसाब से क्लेम पे होगा, उतना परसेंटेज आपको क्लेम पे किया जाए. सो जैसे कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100% कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. परमानेंट एंड इनक्योरेबल इंसेनिटी, मेंटल इलनेस कह सकते हैं, 100% दिया जाएगा. परमानेंट टोटल लॉस ऑफ टू लिम्स 100%, साइट इन बोथ आईज 100%. तो ये वो कंडीशंस हैं जहां पे आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, आप पूरे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे अगर ये लॉस होता है तो. नेक्स्ट है परमानेंट टोटल लॉस ऑफ स्पीच, परमानेंट रिमूवल ऑफ लोअर जॉ या परमानेंट टोटल लॉस ऑफ हियरिंग इन बोथ ईयर्स, तो 75% क्लेम दिया जाएगा. टोटल लॉस ऑफ वन लिम तो 50%, साइट ऑफ वन आई तो 50% क्लेम दिया जाएगा, जो भी सम एश्योर्ड आप चूज करेंगे. तो जो भी लॉस इररिकवरेबल होता है उसको परमानेंट कहते हैं. टेम्प्रेरी वो होता है कि जो कुछ टाइम के लिए है और फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा. तो अगर इररिकवरेबल लॉस है तो इस परसेंटेज में आपको क्लेम पे किया जाएगा. सो अब आगे देखेंगे कुछ और टेबल्स भी हैं जो आप रेफर कर सकते हैं. मैं सारा डिटेल में नहीं बात करूंगी, बट आप ये टेबल्स रेफर कर सकते हो. जैसे मान लीजिए किसी की एक फिंगर टूट गई, परमानेंट लॉस ऑफ वन फिंगर, तो अगर 3 जॉइंट्स हैं तो 5%, 2 जॉइंट्स हैं तो 3.5%, 1 जॉइंट है तो 2%. तो ऐसे आप लेके चलिए 2% से लेके 100% तक के कॉम्पनसेशन अवेलेबल हैं अगर ये लॉस होता है तो. नेक्स्ट है इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस. अभी हमने डेथ की बात की थी, अब हम बात करें मेडिकल एक्सपेंसेस. अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसके एक्सपेंसेस आपके अप टू सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी. यहाँ पे डिडक्टेबल का ध्यान रखिएगा कि कितना डिडक्टेबल मेंशन है आपकी पॉलिसी में, उसके ऊपर का ही क्लेम ये लोग देंगे आपको. सो यहाँ पे बेसिकली कवर क्या क्या होगा. सो आपके जो भी फिजिशियन की फीस है वो कवर की जाएगी. सो आपके हॉस्पिटल के जो रूम के चार्जेस हैं और जो ट्रीटमेंट चार्जेस हैं, सर्जिकल चार्जेस हैं, वो सब कवर किए जाएंगे. एम्बुलेंस के अगर कोई चार्जेस हैं तो वो भी कवर किए जाएंगे. फिर टेस्ट अगर आप करा रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो जरूरी है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो वो भी कवर किया जाएगा. और एक्सपेंसिस ऑफ रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड नर्स का जो भी खर्चा होगा वो भी कवर किया जाएगा. सो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस में ये चीज कवर की जाएगी. बट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आपका क्लेम नॉन पेएबल हो सकता है. पहला, जो आप एडवाइस लेंगे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, अदरवाइज क्लेम पे नहीं होगा. दूसरा, अगर आपकी इंटेंशन ट्रैवल इसीलिए है कि आप मेडिकल टूरिज्म पे ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रीटमेंट कराने ही जा रहे थे, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी क्योंकि आपने वो डिस्क्लोज नहीं करा ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से पहले, और वो चीज ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर भी नहीं होती. अगला, मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, मैं एग्जांपल लूंगी, लेट्स से आपने पॉलिसी ली सिंगापुर की एंड आप ट्रीटमेंट लेने चले गए यूएस में, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है ट्रैवल इंश्योरेंस आप टेरिटरी के हिसाब से प्रीमियम चार्ज होता है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. तो आपने प्रीमियम एशिया का दिया और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं यूएस में, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी. नेक्स्ट, कोई भी एक्सपेंस है जो पॉलिसी जो इंश्योरेंस कवर स्टार्ट होने से पहले का है, मेडिकल एक्सपेंस, तो वो पेएबल नहीं होगा. नेक्स्ट है इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट. तो डेंटल ट्रीटमेंट और इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट में डिफरेंस है. डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपको रूट कैनाल कराना है, डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है आपको स्केलिंग करानी है, क्लीनिंग करानी है, लेकिन इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट होता है जहां पे एक्यूट पेन है, मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी कंट्री तक वापस जाने तक, आपको बहुत जबरदस्त पेन है जिसकी वजह से आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या डेंटल डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, डेंटिस्ट की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, तो वहां पे डेंटल ट्रीटमेंट कवर किया जाता है. नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रैवल बेनिफिट्स. यहाँ पे पहला पॉइंट है मेडिकल रिपैट्रिएशन. इसका मतलब है कि मान लीजिए आप दूसरी कंट्री में गए और वहाँ पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, मान लीजिए आप गए थे 3 महीने के लिए लेकिन आपकी वहाँ पे तबीयत खराब हो गई, 1 महीने के बाद आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू योर जर्नी, आप जो बाकी के 2 महीने वहाँ आप नहीं रह पाएंगे बिकॉज ऑफ आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो कंपनी आपको मेडिकल रिपैट्रिएशन के एक्सपेंसेस देती है. जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा या जो अमाउंट मेंशनड है पॉलिसी शेड्यूल में, सम एश्योर्ड का अमाउंट मेंशनड है जो इसमें पेएबल है, जो भी कम होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, आपको आपके घर तक पहुंचा देगी. नेक्स्ट है बॉडी रिपैट्रिएशन. मतलब यहाँ पे होता है कि अगर कोई बाहर गया एंड अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट बेयर करती है आपको आपकी बॉडी को डेस्टिनेशन तक लेके आने पे, जहां से आप आए थे वहां पे वापस लेकर आने में. सो यहाँ पे बेसिकली जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है. सम एश्योर्ड मेंशनड होता है आपकी पॉलिसी शेड्यूल में वो, या जो एक्चुअल कॉस्ट है रिपैट्रिएट करने की, दोनों में से जो भी कम है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी. सो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है, मान लीजिए इन दोनों कंडीशंस में आपको ये रिपैट्रिएशन वाली हेल्प चाहिए, चाहे आप खुद पॉलिसी होल्डर हैं या उनके फैमिली मेंबर रिपैट्रिएशन की हेल्प मांग रहे हैं,
तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप गए और आपने खुद अरेंजमेंट्स कर लिए कि हम वापस ले जाएंगे या वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो असिस्टेंस प्रोवाइडर टीम को आपने इन्फॉर्म नहीं करा अरेंजमेंट्स करने से पहले, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ना दे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कॉन्टैक्ट देम सो दैट वो अपने अरेंजमेंट्स, नेसेसरी अरेंजमेंट्स खुद करेंगे। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी ट्रैवल बेनिफिट्स। सो यहाँ पे बेसिकली मतलब आपके मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आप 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है घर की बिकॉज आप मेडिकली फिट नहीं थे जाने के लिए, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी आपको। और यहाँ पे भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइडर टीम को कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। तो आप चेक कीजिएगा कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ये बेनिफिट है कि नहीं है, तो एक बार शेड्यूल ऑफ बेनिफिट्स चेक कर लीजिएगा कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ कॉमन कैरियर। तो कॉमन कैरियर बेसिकली आप लैंड से, एयर से या वाटर से कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर उस दौरान डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो विद इन 12 मंथ्स अगर डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, उस रीजन की वजह से डेथ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी आपको या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी टू द बेनिफिशरीज इन द पॉलिसी होल्डर। दूसरा परमानेंट डिसेबलमेंट कॉमन कैरियर। अगर एसी कॉमन कैरियर में जाते हुए, जैसे कि चाहे भाई आप रोड, बाय लैंड, बाय एयर या बाय वाटर आप ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ हादसा हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो विद इन 12 मंथ्स अगर डायरेक्टली उससे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। यहाँ पे अगेन परमानेंट डिसेबिलिटी की जो हमने बात की थी, टेबल्स एप्लीकेबल होंगे कि कितना लॉस है, कितना परसेंटेज क्लेम आपको मिलेगा। हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा, जैसे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो डेली कैश बेनिफिट भी आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी अगर आपका ये क्लॉज इंक्लूडेड है पॉलिसी में। तो लॉस ऑफ बैगेज एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए आपका बैगेज खो जाता है कॉमन कैरियर से, आप बायर जा रहे हैं और आपका सामान जो आपने चेक इन करा था, मान लीजिए चेक इन बैगेज अगर खो जाता है एयरलाइन से खो जाता है, तो आपको इन्फॉर्म करना है इंश्योरेंस कंपनी को। जो लिमिट आपकी मेंशन है पॉलिसी में, लिमिट मेंशन की जाएगी कि इतने तक ही चेक इन बैगेज हम कवर करेंगे, तो चेक इन बैगेज का उतना अमाउंट आपको रीइंबर्स हो जाएगा ऑन प्रूविंग दैट वो एक्चुअल में घूम चुका है। फ्लाइट डिले भी कवर की जाती है, जहां पे अगर आपकी फ्लाइट डिले होगी ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस, जहां पे एयरलाइन ने फ्लाइट डिले करी है आफ्टर अ फ्यू नंबर ऑफ इयर्स, वो मेंशन होते हैं आपकी पॉलिसी में, आपको फ्लाइट डिले कॉम्पनसेशन भी मिलता है। सो हाईजैकिंग भी एक क्लॉज है, जो हाईजैक का खर्चा भी, मान लीजिए अगर प्लेन हाईजैक हो गया तो वहां पे जो इनकन्वीनियंस आपने हुई, कितने टाइम आप अंडर हाईजैक रहे, तो वो भी आपको पे आउट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डिडक्टेबल जरूर एप्लीकेबल होंगे कि इनिशियल अमाउंट नहीं पे होगा, उसके ऊपर का अमाउंट पे होगा। नेक्स्ट है पर्सनल लायबिलिटी। अभी तो हमने बात करा जो पर्सनल हमारी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या पर्सनल बिलोंगिंग्स लूज हो सकती हैं, अब बात करते हैं पर्सनल लायबिलिटी। मान लीजिए आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, किसी इंसान को या किसी की प्रॉपर्टी को, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करती है आपको। क्या क्या कवर्ड है ये देखते हैं। सो प्रॉपर्टी डैमेज कवर्ड है, अगर आपकी वजह से किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है अनइंटेंशनली, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। एक्सक्लूजन्स क्या है यहाँ पे। पहला एक्सक्लूजन है अगर आपने इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आपकी इंटेंशन थी किसी ह्यूमन को या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है क्लेम देने के लिए, तो वो पर्सनल लायबिलिटी आपकी अपनी है। दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं हुई ना, वो तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। पर्सनल लायबिलिटी इज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, किसी और की प्रॉपर्टी को अगर नुकसान होता है तो। तीसरा, आप अगर ऐसे ही बिजनेस में हैं जिस आपका नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ या उनका प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। कोई भी लायबिलिटी ऐसी है जहां पे आपको कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज देनी थी किसी को, जो आप नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो आपसे कॉम्पनसेशन मांग रहे थर्ड पर्सन, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, बिकॉज वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी थी जो आपने पूरी नहीं करी। यहाँ पे बेसिकली है कि आपकी गलती की वजह से, आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपकी कोई ऐसी गलती की वजह से ये लॉस हुआ, वेयर यू इट वॉज अनइंटेंशनल मिस्टेक, तो अनइंटेंशनल मिस्टेक की वजह से हो रहा है तो ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, अदरवाइज नहीं देगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पासपोर्ट। मान लीजिए आपका पासपोर्ट खो जाता है, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स खो जाती हैं, तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। वहां पे आपकी लिमिट स्पेसिफाइड होती है, आपको सही अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, एम्बेसी में जाना है, पुलिस को कंप्लेन करनी है, एंड देयर इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू आप ये क्लेम कर सकते हैं। लास्ट, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, लेट्स से कोई चोरी कर लेता है एंड आपका पैसा चोरी कर लेता है, आपके पास पैसे नहीं है टू कंटिन्यू योर जर्नी, तब भी आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी जो आपकी पॉलिसी शेड्यूल में मेंशनड होगा। तो ये थे डिटेल अबाउट इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ द पॉलिसी। आई आंसर्ड फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आल्सो। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ निकाल के, क्रक्स निकाल के क्या आता है कि आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी देखना जरूरी है जाने से पहले। मतलब सिर्फ ये ना देखिए कि कौन सी पॉलिसी सस्ती है वही खरीद ली, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड।
बेटर है ज़्यादा कवरेज वाली पॉलिसी लेकर जाएं, जिससे कि क्योंकि अगर हम पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो तो आप रुपीस में पे कर रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो डॉलर्स में मिल रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू टेक द राइट डिसीजन और मैक्सिमम कवरेज के साथ आप पॉलिसी लेकर जाएं। एंड हाँ, ये स्टैंडर्ड लिस्ट है, आप अपनी स्पेसिफिक पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं। एंड अगर यूजफुल लगी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।